फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाजिर है बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसटेट का जो पेपर है 2021 में 2 और 3 जनवरी को होना निश्चित हुआ, उसके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो फुल पेपर है विद ऑफिशियल आंसर की के साथ है। PRT, TGT और PGT का कॉमन जो पेपर है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। बिल्कुल नया सिलेबस है, कोई पुराना पैटर्न नहीं है। जैसा कि लास्ट पेपर हुआ था न्यू पैटर्न के साथ, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आता है वो है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सेक्शन, जिसके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? तो वो करता है योग व्यवकलन या विलोम होता है, कहने का तात्पर्य। अधिगम है, यानी अधिगम क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो है पूर्व परंपरागत। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, तो वो है सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? जो गलत विषय है वो आपको इसमें चयन करना है, तो वो है चिंतन और भाषा असंबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वो किया गया बहु अनुक्रिया का नियम। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई? जो नहीं वाला ऑप्शन है वो आपको इसमें से निकालना है, तो वो है व्यावहारिक कौशल। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? समस्या आधारित, अन्वेषण, निर्देशित अन्वेषण या प्रदर्शन? तो वो है प्रदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो नहीं वाला आपको चयन करना है, तो वो है प्रशंसा करना। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत था वो था हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से जो गलत है वो आपको अलग से निकालना है, तो वो है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कौशल सृजनात्मक विकास में बाधा पहुंचाती है? तो बाधा जो पहुंचाती है वो है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्राय दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? तो ये जो बल देता है वो देता है वातावरण पर। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी होती है? तो वो होती है प्राधिकारिक। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? प्रश्नोत्तरी, मानदंड, संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा या वार्तालाप? तो ये कौन सा नहीं होता, मानदंड संदर्भित परीक्षण। अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है संकलित आंचल आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है?
सार्थक जो तथ्य है वो है यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है, तो जो वो विशेषता है वो है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है, तो वो आएगा पूरे समय के लिए। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं भाषा अर्जन साधन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है पृथक। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतर स्तर क्या है, तो ये आपको बताना, ये है समस्या समाधान अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं होती, तो वो नहीं होती आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना। एक बालक जो किसी एक विशेषता से ऊंच और निम्न है बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन के महत्व को बल देता है, तो किस प्रकार के महत्व को बल देता है, यह देता है आनुवंशिकी के। विकास के पक्ष जैसे शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक विकास में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं, तो ये होते हैं समग्रता और सांकलता से। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से कर पाना संभव, उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे हम कहेंगे आसन विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप में प्रकट होती है, तो वो होती है प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये उसमें सम्मिलित नहीं होता। अगला जो सेक्शन है वो है भाग नंबर दो, अगला जो पार्ट आता है वो आता है भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी, भाग नंबर दो इसका है। फर्स्ट पार्ट में हिंदी दी गई है, एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, उसमें हमें पुस्तकें दी, बहन ने भाई को राखी बांधिया, मैंने पिताजी को पत्र लिखा, तो इसमें जो एक कर्म क्रिया वो है महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी। गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए, तो वो है यमनोर्मी। याव जीवन पद में समास है अव्ययी भाव, गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको इसमें से निकालना है, तो वो है सरद जमा उल्लास सरदोल्लास। अगला क्वेश्चन, मोहन सातवीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पदों में विशेषण का भेद इंगित करना है आपको कौन सा होगा, तो इसमें जो इंगित होगा कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है दानश्रथी। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की शैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित आपको करना है, तो ऊंचाइयां जो है वो कौन सी है, तो वो आएगा जातिवाचक। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प आपको निकालना है, दुरावस्था मातृभक्त मन कामना या अंतर्ध्यान, तो अशुद्ध जो है वो है दुरावस्था। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास यानी कुशासन का आपने समास बताना है कौन सा है, तो इसमें जो समास है वो है मध्य पद लोपी तत्पुरुष। अशुद्ध विलोम युग्म निकालना है आपको, संश्लेषण विश्लेषण सलील अश्लील सती उल्टा या समीम असीम, तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा सती उल्टा। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है, आत्मीयता नैपुण्य धैर्यवता या सारल्य,
तो इसका आएगा आत्मीयता। उत्कोच शब्द का सही अर्थ है घूस लेने वाला, घूस देने वाला, घूस या रिश्वत लेने का इच्छुक, तो इसमें आएगा घूस। निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है, संबंध सूचक, सर्वनाम, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण, तो ये नहीं है सर्वनाम। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, रेखांकित पद का सर्वनाम भेद आपको बताना है, तो ये है निजवाचक। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो नहीं हुआ है अवधि में। अगला पार्ट है इंग्लिश, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट होता है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई ब्रदर इज इन डैश इंडियन आर्मी, तो इसका जो ऑप्शन आएगा द। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो, तो इसका जो आंसर आएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। फिल इन द ब्लैंक स्पेस द करेक्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिडंट मेक डैश मिस्टेक, तो इसका जो आंसर आएगा मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेज, क्रिटिसाइज, वसीफ, फेवर या इग्नोर, तो इसका जो आंसर आएगा 49 का वो है क्रिटिसाइज। 50 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट द चूज प्रेपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज ए लेबल डैश द बोतल, तो इसका आंसर आएगा ऑन द बोतल। विच वन ऑफ दीज ऑप्शन हैज द वर्ड अरेन्ज इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से आपको निकालना है, तो इसका आएगा सेकेंड ऑप्शन, अनइजिलाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द प्लेन डैश फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमोरो आफ्टरनून, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लीव्स। आइडेंटिफाई द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, तो इसका जो आंसर है वो है बिफोर। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रिंग, ब्रॉट, बाय, बाइंग या ब्रॉट इट, तो इसका जो ऑप्शन है वन ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट, कंटिन्यू, डिले, स्टॉप या पोस्टपोन, 55 का जो ऑप्शन है वो है कंटिन्यू। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द सोल्जर्स फोर डैश पार्टली, लकीली, ब्रेवली या क्लियरली, तो इसका जो आंसर है वो है ब्रेवली। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द मिल्क डैश और हैज टर्न, विल बी टर्निंग, है टर्न या इज टर्न, तो 57 का फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैज टर्न। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन लेटर एट द इनिशियल लेवल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो 58 का जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है CATCH, कैच। 59 है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बेस्ट, गुड और बेटर, ओके गुड, बेटर गुड या बेस्ट बेस्ट, तो इसकी आएगी 59 नंबर का आएगा गुड और बेटर। 60 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई डैश अ प्ले बाय बर्नार्ड शॉ, हैड रीडिंग, एम रीडिंग, आर रीडिंग या हैज रीड, तो 60 का जो आंसर है वो है एम रीडिंग। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर, जिसमें आएगी आपके लिए रीजनिंग, एटीट्यूड एबिलिटी एंड जीके अवेयरनेस, जिसमें हरियाणा जीके होगी। ये क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होते हैं, जीके मैथ और रीजनिंग। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी है जाती है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। इस साइड आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे और दूसरी साइड आपको इंग्लिश मीडियम में, हम हिंदी वाली साइड से करते हुए चलेंगे। तो 61 का जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है, 36%। श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, 0, 6, 24, 60, 120, तो अगला जो पद होगा वो होगा 210।
एक्स और वाई भाई हैं, बी ए की पुत्री है, ए वाई की पत्नी है, बी एक्स में किस प्रकार से संबंधित है? तो वो आएगा ऑप्शन नंबर दो, भतीजी। यदि प्योर कोकुट भाषा में क्यू वी क्यू डी तथा कोप कोकुट भाषा में डी पी ओ डी लिखा जाता है तो डब्ल्यू एच ई एन वैन का कूट क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स आई डी एम, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन सा सही है, यानी कि कौन सा क्रम जो लिखा हुआ वो सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, 4/7, 3/5 और 8/9। असंगत आपको निकालना है बुध, शुक्र, सूर्य और शनि। तो इसमें से जो असंगत आएगा वो आएगा सूर्य। पांच दोस्तों में ए सी से ज्यादा परंतु डी से कम रन बनाता है, बी डी से ज्यादा किंतु ई से कम बनाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है? तो वो बनाता है ई। यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको आपको सोल्व करके दिखाना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21/17। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसकी गति मीटर सेकंड में आपको निकालनी है वो कितनी होगी? तो वो होगी 50 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ दिया गया, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28, यानी थर्ड ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 1.55। स्कूल बस ए को उसके घर से लेती है और स्कूल पहुंचने के लिए दो बार बाएं मुड़ती है और फिर दाहिने मुड़ जाती है। यदि बस स्कूल पहुंचते समय पूर्व की दिशा की ओर है तो उसका घर किस दिशा की ओर होगा? तो वो होगा दक्षिण दिशा की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 4 आंसर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुल तार नोप का अर्थ फ्रूट इज गुड, नोप को टीर का अर्थ होता है ट्रीज टोल, तो पुल हो शॉप का अर्थ होता है ईट गुड फूड, तो फ्रूट शब्द का उस भाषा में क्या अर्थ होगा? तो वो होगा टा, TA। पेड़ों की एक पंक्ति में, एक पेड़ पंक्ति में बाईं ओर से 11वें स्थान पर और दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ खड़े हैं? तो उसमें खड़े हुए हैं 26 पेड़। यदि ए बी से 2 अधिक है, बी सी से 10 अधिक है तथा ए प्लस बी प्लस सी 130 हो, तो बी प्लस सी माइनस ए का आपको मान ज्ञात करना है, तो वो आएगा 28। 606/6/3 का मान बराबर है किसके आएगा? तो वो आएगा 333, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, x बटे 16 बराबर है 196/x, तो x का मान आपको निकालना है इसमें, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4, 56। निम्न श्रेणी में गलत पद आपको निकालना है, 445, 221, 109, 46, 25, 11 और 4। तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 है 46, इसमें बिल्कुल रॉन्ग है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी भिन्न आपको निकालनी है, तो वो है 15/19। नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या निशानेबाजी? तो वो है जैवलिन थ्रो। 2001 से 11 के मध्य हरियाणा की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो वो थी 19.9%। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? इमाम अली कलंदर, अकबर अली, विरासत अली या सदरुद्दीन? तो इसका जो नेता था वो था इमाम अली कलंदर। अगला, पंचकुला जिले में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इसका जो आंसर आएगा दो, इसमें दो वन्य जीव अभयारण्य है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? 73, 93, 49 या 62? तो इसमें आएंगे 93। योधेय गण की राजधानी थी रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र या अंबाला? तो वो थी रोहतक। हरियाणा केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? सर छोटू राम, लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम या लाला मुरलीधर? तो ये जाने जाते हैं पंडित नेकीराम को, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, इसमें सोनीपत है मेट्रो में नहीं है। गुरुग्राम, पलवल, बहादुरगढ़, तो इसमें पलवल नहीं है।
गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, ये तीनों शहर जो हैं ये शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बड़खल झील फरीदाबाद में बिल्कुल सही है, खलीलपुर झील गुरुग्राम में ये भी बिल्कुल सही है, करण झील करनाल में है, तो चंदलाई झील जो झज्जर में दिखाई गई है वो सुमेलित नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई थी वो न्यू पैटर्न के साथ है। प्रैक्टिस सेट जो कॉमन पेपर आता है तीनों के लिए वो मैंने आपके साथ विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।